जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। योगी सरकार ने एक आदेश पारित किया है कि जो भी कांवड़ यात्रा के रूट हैं वहां पर जो दुकानदार हैं वो अपना नाम कर्मचारियों का नाम सार्वजनिक करें, इसको लेकर विपक्षी जो है वो विरोध कर रहे हैं। कैसा फैसला है ये सरकार का? ऐसा है, हमारा उसमें चिंतन सोच इतनी है, कहीं भी जहां भीड़ हो, भीड़ में चाहे दुकानदार हो चाहे आम आदमी हो, अपना आधार कार्ड अपना और सब चीजें जरूर सम्मिलित रखना चाहिए। ये तो आप ये समझिए कि जोगी जी ने के पहले जितनी सरकार थी वो नहीं कहते एसएसपी का ब्लॉक नहीं लगा रहता है, अफसर का नहीं लगा रहता है, सिपाही का नहीं लगा रहता है, तो सबका ही तो नाम प्लेट लगता है। तो चाहे आप ठेले वाले हो चाहे आम आदमी हो, आईडी अपना जरूर रखना चाहिए जिससे कि लोग जान सकें कि आपका नाम क्या है। इसलिए एक अच्छा सुंदर निर्णय है। इसको इससे कांवड़ियों को कितना फायदा होगा, उनकी शुद्धता बनी रहेगी? ऐसा है, कांवड़ियों की शुद्धता थी और है, रहेगी, क्योंकि ये उनके विचार से उनके चिंतन से उनका स्वच्छता रहती है। किसी के ये नहीं कि उसका नाम लिखा हुआ नहीं नाम लिखा उससे कोई स्वच्छता नहीं है, स्वच्छता उनके विचार से है। अगर बाकी आदमी को जो है किसी प्रकार की भीड़ हो, कांवर का भीड़ का आप ये समझिए लाखों नहीं हजारों घटनाएं हुई, लाखों आदमी जो थे लपेटा में आ गए, कोई ट्रक वाला कुचल के चला गया, कोई और चला गया, कोई ठेले वाले का नाम आता है, किसी दुकानदार का नाम आता है, किसी और का नाम आता है कि कंवरियों कुचल दिया गया, कंवरियों में झगड़ा कर लिया गया। आदमी का नाम लिखा होगा तो कंवरिया बता सकता है कि ठेला फलाने का था, ये ठेले वाले का व्यवहार अच्छा था, ये गलत नहीं है। सबसे पहले पुलिस पूछेगी कि घटना हुई तो नाम पता क्या है, उसका नाम क्या हुआ। अब कुमारी को का मालूम है कि उसका क्या नाम है, अगर नाम लिखा होगा तो आम आदमी का प्रचार हो सकता है। इसलिए यह फैसला उचित है और किसी के टारगेट नहीं देखिए, जो ऐसा लोग समझते हैं वो उनका जीने का व्यवसाय है, उनका एक जीव का है। अब वो माने और उनके लोगों ने क्या खुश हुए जब लोकसभा में वो भारत माता की जय नहीं बोलकर जय हिंद नहीं बोलते हुए किसी और का नाम लिया, क्या उनके लोग उनसे खुश हैं? और खुश होते हैं तो उन्हें 10-50 सीटें नहीं मिल जानी थी। इतना दिन से बलिष्ठ हुए, पढ़े लिखल हुए, सब प्रकार से बुद्धि वाले हुए, अगर आज भी मामला कहाँ है, ढाक के तीन पत्ता हुए, तो इसी तरह उनके लोग भी उनसे संतुष्ट नहीं है। इसलिए वो अपना उनका काम है कि वो, हम तो उनके बोलते हैं भारत सरकार से मांग करते हैं वो या तो वो उसके लिए खेद व्यक्त करें और नहीं तो इस्तीफा देकर उनको जाना चाहिए वही जहाँ उनकी जरूरत है, जहाँ की आप जहाँ जरूरत है कहने का अर्थ है जहाँ की आप जिस राष्ट्र में निष्ठा विश्वास रखते भाई, जहाँ आपकी निष्ठा श्रद्धा है वहाँ जाना चाहिए। इसलिए मेरी तो हर संभव उनसे कहना है कि वो हमारे अनुज हैं, हमारे भाई हैं, हर मामले में हमारे साथ उनको रहना चाहिए, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ उन्हें, तो और इसका समर्थन करना चाहिए, ऐसी मेरी अपेक्षा उनसे है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।